हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक, जो कान्हा जी का बहुत ही फेवरेट है और हर मंदिरों में और घरों में ये मेवा पाक बनाया जाता है और इसका भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। तो आज मैं आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से और बिल्कुल भी आपके मेवा पाक ख़राब नहीं होगा इस तरह से आपके साथ शेयर करूँगी और झटपट से बन जाएगा। पहली बार भी आप इसको परफेक्ट बना पाओगे और आप इसका टेक्स्चर जैसे को कितना सॉफ्ट और मस्त बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स और जो चीज़ हमें इसमें यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली है। तो मैंने यहाँ पे गोंद, ड्राई कोकोनट, किशमिश, पिस्ता, बादाम, काजू और मखाना लिया है। तो मैंने अपने हिसाब से लिया है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उस हिसाब से मैंने लिया है। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो क्वांटिटी में ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 छोटे वाले टेबलस्पून घी इसमें गर्म करने के लिए रख दिया है। अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें सबसे पहले गोंद को फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसको डालेंगे। थोड़ी देर में आप देख सकते हो जैसे पॉपकॉर्न फूल जाते हैं उसी तरह से हमारे गोंद भी फूल के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे आपको गोंद की क्वांटिटी कितनी लेनी है उस हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गोंद हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर से डालना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो हमने गोंद को फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब इसी में हमने घी नहीं डाला है, जो बचा हुआ घी है उसी में हम ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स ले लिया है, तो इसको भी हल्का सा रोस्ट होने तक, इसका क्रंचीनेस आ जाए तब तक हम इसको भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो आप सारे जो मेवे हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, जो ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हो और जो कम पसंद है ये स्किप भी कर सकते हो। तो हमने आलमंड्स को भी रोस्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, मैं काजू और पिस्ता दोनों को साथ में रोस्ट कर रही हूँ, तो मैंने दोनों ही ले लिया है। दोनों को एक साथ डाल के हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान रहे हमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम रोस्ट कर रहे हों उसमें हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, सारे हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी अभी मैटर नहीं करती है कि हम कौन सी चीज़ कितनी ले रहे हैं, वो बाद में जब हम मेज़र करेंगे तब पता चल जाएगा। इसीलिए अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट आपको जितना लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। फ्राई होने के बाद ही हमें इसका मेज़र करेंगे। तो किशमिश भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने किशमिश को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसको भी एक जो हमें एक प्लेट में इसको सब रोस्ट करते जाएंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे मखाना ले लिया है, तो मखाना को भी हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता तब तक हम इसको इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मखाना भी हमारा रोस्ट होके तैयार हो गया है। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और लास्ट में हम एक टेबलस्पून की और डाल देंगे और जो ड्राई कोकोनट हमने लिया था उसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो कोकोनट को हमें ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही इसका क्रंचीनेस आ जाए उतना ही हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि घी में रोस्ट की हुई सारी चीज़ें का फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा इससे भूनने से। तो हल्का सा ही हमें इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने रोस्ट करके तैयार कर ली हैं और हल्की सी ठंडी भी हो गई है। तो ध्यान रहे कि हम गरम गरम इसको नहीं पीसेंगे, ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे। तो अब सारी चीज़ें हम इसमें मिक्सी के जार में डाल के हमें इसका दरदरा पाउडर रेडी करना है, एकदम फाइन पाउडर हम इसका नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब इसी मिक्सी जार में हमने जो कोकोनट को लिया था उसको भी दरदरा इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करके तैयार कर ली हैं। अब हम इसका मेज़रमेंट निकालेंगे, तो इसी हिसाब से फिर हम
चाशनी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप घर की कोई भी कटोरी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे एक कटोरी घर की ले ली है, तो दो और तीन कटोरी हमारा यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मिश्रण हो रहा है। तो हम यहाँ पे तीन कप के हिसाब से आधा हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसी कटोरी से आधा आप चीनी, मिश्री, गुड़ जो भी ले रहे हो आपको यहाँ पे आधा यूज़ करना है। चीनी ले रहे हो तो भी आपको 1.5 कप लेना है तीन कप के सामने। तो मैंने यहाँ पे मिश्री ली है, तो मिश्री को ही मैंने 1.5 कप लिया है। तो आप 1.25 कप, 1.5 कप ले सकते हो, इससे अच्छा मीठा खासा हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मिश्री को अच्छे से घुलने तक इस तरह से पका लेंगे। तो आप देख सकते हो मिश्री हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट ऐसे ही पका लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि मिश्री मेल्ट हो जाए उसके बाद में ही हमें हाई फ्लेम करनी है। अब थोड़ी देर के बाद हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम चिपचिपी हुई है, लेकिन कोई भी तार नहीं बन रहा है। वापिस से 1 से 1.5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि तार बन रहा है, लेकिन ये टूटता जा रहा है, पूरा तार नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ पे गाढ़ा एक तार तैयार करना है, क्योंकि अभी बारिश चालू है। तो ध्यान रखना है कि चाशनी हमें एकदम गाढ़ी तार, एक तार गाढ़ा बने वैसी लेनी है। तो आप देख सकते हो कि अभी एक तार बनने लगा है, लेकिन पतला बन रहा है। तो हम एकदम गाढ़ा तार नहीं बन जाता, तब तक हमें इसको इसी तरह से चलाएंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी ये हमारा एकदम गाढ़ा तार बन रहा है। तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो फटाफट से डाल देंगे, वरना क्या होगा कि ये जल्दी से ड्राई होने लगता है। मिश्रण डालने के बाद हमें फटाफट से इसको मिक्स करके इसको प्लेट में निकाल लेना है, वरना क्या होगा कि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस आपको जल्दी करनी है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जायफल का पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे इलायची, जायफल दोनों ही यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो। वापिस से हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये एकदम ड्राई हो गया है, लेकिन हम इसको प्लेट में सेट करेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं हमारा ये मेवा पाक, और ना ही हार्ड बनेगा, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनेगा हमारा ये पाक। अब क्या करेंगे, अच्छे से प्लेट में इसको इस तरह से सेट कर देंगे, ताकि ठंडा होने के बाद बहुत ही मस्त हमारा पाक बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने अच्छे से इसको फैला दिया है। अब क्या करेंगे, मैं ड्राई कोकोनट से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप इसको कोई भी ड्राई फ्रूट से या ड्राई कोकोनट से, आपको जो भी पसंद है उससे आप गार्निश कर सकते हो। अब क्या करेंगे, एक कोई भी कटोरी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से प्रेस करके प्लेट को अच्छे से सेट कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। आधा घंटे के बाद हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो भी शेप में आपको पसंद है उस शेप में आप इसको काट सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने मस्त हमारा ये मेवा पाक बनके तैयार हो गया है। एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई करना, बिना चीनी के भी ये मेवा पाक बहुत ही मस्त बनेगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, और ना ही ज़्यादा मीठा होगा, और ना ही हार्ड होगा, एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ आपका ये मेवा पाक बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना मस्त हमारा ये मेवा पाक बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कितना मस्त ये बनके तैयार हो गए हैं, और बहुत ही आसानी से टूट भी रहा है। तो अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो कान्हा जी का फेवरेट ये जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक जरूर से ट्राई करना, और कान्हा जी को भोग में लगा के खाना बहुत ही मस्त लगेगा और हेल्दी भी है, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा मेवा पाक बनके तैयार हो गया है। मुझे कॉमेंट करके बताना कैसी लगी।